Hey guys, welcome back to the channel. Today, I find myself in Pondicherry. I have been making such videos for a couple of years now. And this has given me the opportunity to explore some amazing places in India and abroad. If you guys are new here, मैं एक full-time doctor हूँ और अपने clinic से आने के बाद खुद से travel videos बनाता हूँ. एंड आज के वीडियो में आई वॉन्ट टू गिव यू अ सुपर रिलैक्सिंग वर्चुअल टूर ऑफ पांडिचेरी. एंड इफ यू गाइज आर प्लानिंग अ ट्रिप टू पांडिचेरी, दिस वीडियो विल ऑल्सो सर्व एज द कम्प्लीट ट्रैवल गाइड. थिंग्स टू डू, थिंग्स टू सी, बेस्ट प्लेसेस टू ईट, दिस इज द वन वीडियो यू नीड टू वॉच बिफोर विजिटिंग पांडिचेरी. एनीवेज, अपने हेडफोन्स लगा लो एंड एन्जॉय द वीडियो. What is up guys and welcome to another video. As you can see right now I am in Pondicherry. Okay, and aaj ke video mein I want to show you some of the best things to do, best things to see, where to go, where to eat, everything 3 to 4 days mein Pondicherry mein hum explore karne wale hain. Abhi time ho raha hai yahan pe 6:30 and hum log yahan pe aaye hain Pondicherry ka main promenade College Gube Avenue. Okay, abhi itna jaldi yahan pe aane ka matlab kya hai? Because I personally India mein have not seen the sun rise from the sea. Okay, because hum log rehte hain west coast mein. एंड वेस्ट कोस्ट में जो है हमेशा सनसेट होता है. वहाँ पे सनराइज़ यहाँ पे देखना डेफिनेटली एक बहुत अमेजिंग फीलिंग है, बहुत ही अननेचुरल फीलिंग है मेरे लिए. इस मॉर्निंग में यहाँ की वाइब बहुत अमेजिंग है. यहाँ पे बड़ा सा प्रोमिनाड है वे पीपल कैन वॉक, देर आर नो व्हीकल्स अलाउड, सिर्फ वॉक करते हैं. एक बड़ा सा प्रोमिनाड है विच इज़ अमेजिंग. ये लोग ने पूरा सी कोस्ट के सामने पूरा बड़ा सा प्रोमिनाड बनाया है. यहाँ पे एक गांधी जी का स्टैचू है यहाँ पे, वे पीपल नॉर्मली कम इन द मॉर्निंग एंड बेसिकली यू कैन जस्ट वॉक हियर. Enjoy the sea, enjoy the sunrise, and it's just an amazing place to come in the morning and in the evening. कल evening को मैं आया but यहाँ पर crowd थोड़े ज़्यादा थे, so I thought let's come in the morning. Anyways, let's get this video started. हम लोग जा रहे हैं lots of places in Pondicherry. चलो. सो प्रोमिनाड पे आई थिंक बाई फार वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेसेज ऑन दिस प्रोमिनाड इज दिस प्लेस कॉल्ड एज ल कैफे. अभी आई थिंक बाई डिफॉल्ट ये प्रोमिनाड पे और कोई कैफे है ही नहीं, एटलीस्ट ऑन दिस साइड. ऑन द अदर साइड लॉट्स ऑफ कैफेज, लॉट्स ऑफ ईटरीज, रूफ टॉप कैफेज काफ़ी है, बट आई थिंक दैट्स अ मोर ऑफ इवनिंग वाइब. यहाँ पे दिस सीम्स मोर लाइक अ ब्रेकफास्ट प्लेस. आई कैन सी लोकल पीपल कमिंग अपने टोस्ट ऑमलेट कॉफ़ी द डेली कैफीन बज यहाँ पे लेने आते हैं. इट इज़ वेरी गुड लाइक ये प्रोमिनाड पे टू हैव सच ए नाइस लिटिल कैफे. इट्स नाइस. आई थिंक द वाइब इट सेल्फ इज़ द यूएसपी ऑफ दिस प्लेस, बट ऑनेस्टली द कॉफी लुक्स वेरी नाइस. डेफिनेटली ट्राई एंड कम मॉर्निंग में यहाँ पे, बिकॉज इवनिंग में यहाँ पे रश ज़्यादा होती है. मॉर्निंग में आ जाओ, अभी टाइम हो रहा है 7:30 एंड दैट इज़ हाउ वी स्पेंड दिस मॉर्निंग हेयर. चलो बाकी वी आर कंटिन्यूइंग टू एक्सप्लोर पांडिचेरी. सी यू सून. प्रोमिनाड के बाद वी वॉन्टेड टू जस्ट वॉक अराउंड द स्ट्रीट्स ऑफ पांडिचेरी, स्पेसिफिकली दिस एरिया कॉल्ड एज वाइट टाउन. ऑनेस्टली द स्ट्रीट्स रिमाइंड यू ऑफ अ स्मॉल फ्रेंच बीच साइड टाउन. दिस इज बिकॉज पांडिचेरी वॉज अंडर फ्रेंच कंट्रोल फॉर ऑलमोस्ट 280 years. एंड इंटरेस्टिंगली पांडिचेरी गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फ्रेंच 7 years आफ्टर इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश इन 1954. वाइट टाउन में आज भी यू कैन सी अ वेरी फ्रेंच इन्फ्लुएंस्ड आर्किटेक्चर. इनफैक्ट हमारा जो होटल था ला विला एंड विला शांति इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस. आई हैव मेड अ डेडिकेटेड वीडियो अबाउट दीज टू होटल्स, चेक इट आउट, राइट अपर कॉर्नर पर लिंक रहेगा. एनीवेज, बैक इन द डे पांडिचेरी वॉज बिल्ट अकॉर्डिंग टू द फ्रेंच ग्रिड सिस्टम एंड इट हैज़ परपेंडिकुलर स्ट्रीट्स, अंडरग्राउंड सुवेज एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल ऑफ दिस वॉज प्लान्ड बैक इन द डे बाय द फ्रेंच. Even today, street names are in French, residential areas mein parks hai, and all of this is super European. ये सब देखते देखते and बहुत सारे photos लेके हम लोग finally पहुँचे दोपहर में Aurobindo आश्रम. Hey guys,
So currently I'm sitting outside Aurobindo Ashram. This ashram was founded by Sri Aurobindo and his followers. It's a place of meditation, it's a place of spirituality. Abhi to filhal covid ke hisab se zyada log andar allowed nahi hai. But on regular days there are meditation sessions. You can come here, you can stay for 3 to 4 days, meditate and you know just basically clear your head. Kabhi kabhi ye bahut zaruri hota hai. Abhi to filhal hum log zyada andar nahi ja paaye. In fact andar to phones, cameras kuch allowed nahi hai. Definitely just going inside and feeling the vibe was very nice. So guys, have the time, definitely try and do that. So post covid times jab yahan pe centers meditation chalu hota hai, so guys are coming to Pondicherry, it is a must visit. And bas chalo, let's continue exploring Pondicherry. सनसेट का टाइम हो रहा था एंड आई वॉन्टेड टू बी एट द बीच ड्यूरिंग सनसेट. पौंडीचेरी का कोस्ट लाइन बहुत बड़ा है एंड इस वजह से पौंडीचेरी के इन एंड अराउंड बहुत सारे बीचेस हैं. ज़्यादातर मुझे लेस क्राउडेड एंड लेस कमर्शियल बीचेस पसंद. पौंडीचेरी में मेरे फेवरेट बीचेस का लिस्ट विद गूगल मैप लोकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. फॉर ऑब्वियस रीजंस हम लोग सब बीचेस नहीं जा पाए, बट ये इवनिंग पे हम लोग पहुंचे टू दिस प्लेस कॉल्ड एज लाइट हाउस बीच. सनसेट के बाद हम लोग हमारे होटल पहुँचे विला शांति. हैड एन अमेजिंग डिनर. विला शांति कॉन्स्टेंटली कीप्स कमिंग अप एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस टू ईट इन पौंडीचेरी. एंड आफ्टर दैट वी कॉल्ड इट अ डे. हे गाइस, गुड मॉर्निंग. First stop of the day is this place called Baker Street. I was recommended this place by lots of people, lots of vlogs, and definitely it is worth the recommendation. The amount of bakery items here, from croissant to baguettes to quiches, it's amazing. Variety बहुत अच्छी है. हम लोग ने एक croissant, एक quiche और दो coffee मंगाई है. प्रिया ने तुलसी जिंजर टी मंगाई है. Food looks good, perfect morning जगह है for breakfast. I'm a big fan of breads and bakery items, जो बहुत पसंद है. Because Pondicherry में ना बहुत सारी जगह है ऐसी, but this is the one that stands out. तो definitely come to here, Baker Street. थोड़े shots दिखाता हूँ and आज का दिन शुरू करेंगे. चलो. अभी हम लोग पहुँचे हैं दिस प्लेस कॉल्ड एज ओसुडु लेक. ये पौंडीचेरी से कुछ 30 मिनट्स अवे है. हम लोग ड्राइव करके यहाँ पे पहुँचे. इट्स ओ एक्सट्रीमली लार्ज लेक. इनफैक्ट हम लोग ये लेक के वो साइड सी ऑल दैट साइड वहाँ पे भी जाके देखें. इट्स वेरी बिग. एंड व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि व्हेन यू थिंक ऑफ पौंडीचेरी डोंट जस्ट थिंक ऑफ द सिटी इन इटसेल्फ. पौंडीचेरी इज ऑल्सो इट्स ओन यूनियन टेरिटरी, राइट? तो उसका एरिया भी काफ़ी बड़ा है. नाउ वाई दिस लेक इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ के लिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं. ओके, जो नॉर्मली सीजन नहीं होता है तो यहाँ पे आके माइग्रेटरी बर्ड्स थोड़ा वार्म वेदर में यहाँ पे आते हैं. दे ले देयर एग्स, दे ग्रो देयर चिल्ड्रन एंड देन वापस चले जाते हैं. दैट इज़ माइग्रेटरी बर्ड्स. एंड करंटली आई एम सीइंग सो मेनी बर्ड्स, अलग अलग वेराइटीज़. कम से कम आई एम सीइंग 10 to 15 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ बर्ड्स यहाँ पे. यहाँ पे एनिमल लाइफ बहुत देखी मुझे. लाइक वी सॉ फ्यू मंगूस. हम लोग को यहाँ पे स्नेक के बोट्स दिखे. सो दिस सीम्स लाइक अ वेरी नाइस सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है. ऑल दो गंदगी तो रहेगी, बट पीपल नीड टू लर्न अबाउट दिस. एनी वेज,
मुझे ऐसी जगहें बहुत पसंद है, रॉ नेचुरल ब्यूटी. स्पीकिंग ऑफ रॉ नेचुरल ब्यूटी, लिविंग इन द आउटडोर्स, टुडे आई वांट टू शेयर विथ यू अ पीस ऑफ टेक दैट आई हैव रियली कम टू लाइक एंड आई एम श्योर यू गाइज विल लाइक इट एज वेल. सो व्हेन आई वाज प्लानिंग अ ट्रिप टू पांडिचेरी, दिस कंपनी कॉल्ड एज इजी फोन, दे रीच्ड आउट टू मी एंड टोल्ड मी सिंस यू लाइक द आउटडोर्स एंड नेचर, वी हैव अ फोन दैट विल बी परफेक्ट फॉर यू. And honestly, I thought this was just another company wanting to promote their product on the channel. I got the phone. I was really impressed with it. Let me tell you why. And they wanted me to use this phone as a second phone. Because honestly, my main phone jo hai, I use it to of course upload stories, take photos and fly my drone. Okay, isme mera phone kafi use hota hai, battery bahut kha jata hai. The good thing about this phone is that iska battery life kafi acha hai. On standby, it can work up to 21 days. And outdoors mein agar raha to 7 se 8 days properly working mein chal jata hai, which is amazing. Speaking of the battery life, this not only is a phone, but it's also a power bank. You can charge your buds, you can charge your watch. Choti choti electronic cheez aap ye phone se easily charge kar sakte ho, which is amazing. And my favorite thing about this product, that's IP68 resistant, okay? Basically, this is waterproof, this is dust proof, this is shock proof. Kahin pe bhi gira do, kahin pe bhi fek do, paani mein. In fact, I've heard people doing test about it, ke gaadi ke niche se dal diya, bike ke upar se chala gaya. It is still very rugged. So this is a very rugged, strong, perfect phone for the outdoors. इसको कुछ नहीं होने वाला है. Because I can see the build quality इसका इतना strong है. मतलब to put the battery in, you need a screwdriver. Okay, screwdriver खोल के इसको पूरा निकाल के अंदर battery डालना पड़ता है. So it's that rugged. They've almost built it like a piece of metal. It's amazing. Other thing I really like about this phone is के इसमें there is something called as a whitelist. Okay, whitelist मतलब क्या? I can select मेरे को calls कौन से numbers से आएंगे, which is perfect for me. सो मैंने अपने क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली, क्लिनिक का रिसेप्शन, इसके मैंने फ़ोन्स डाल दिए हैं. अपार्ट फ्रॉम दीज कॉन्टैक्ट्स, मुझे किसी के फ़ोन आएंगे ही नहीं. अदर सेफ्टी के बारे में अगर बात करें, तो इसमें एक SOS बटन है. ओके, हियर दिस इज एन SOS बटन. तो अगर कहीं पे आप इमरजेंसी में हो, कहीं पे फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड गिर गए या आप कहीं पे फंस गए हो, तो यू कैन जस्ट प्रेस दिस बटन, यू कैन फीड 5 कॉन्टैक्ट्स इन. तो बेसिकली इल स्टार्ट सेंडिंग मैसेजेस एंड कॉल्स टू दीज 5 कॉन्टैक्ट्स, एंड जब तक किसी को कॉल पिकअप नहीं करेगा, तो नेक्स्ट बंदे को कॉल करते रहेगा. एंड जब भी यहाँ पे आप कॉल करते हो, तो हमेशा फ़ोन लाउड स्पीकर पे चले जाता है. सो यू नो, अगर कहीं पे गिर गए हो, गॉड फॉरबिड 127 आवर्स का कुछ सिचुएशन आपके पास नहीं आए, तो इट्स परफेक्ट, राइट. दूसरा, इसका स्क्रीन साइज़ भी काफ़ी डिसेंट है. सो एंड इसके अंदर मेमोरी कार्ड स्लॉट भी है, तो आप आराम से अपने मीडिया जो है इस पर लोड करके देख सकते हो, विच इज़ अमेजिंग. एंड ऑफकोर्स एक फ्लैश लाइट है. कोई भी अच्छे फ़ोन में एक फ्लैश लाइट अच्छा रहा, तो इट्स परफेक्ट. आई थिंक दिस फोन इज़ परफेक्ट फॉर नेचर लवर्स, एडलाइन जंकीज, हु वॉन्ट टू लिव इन द आउटडोर्स, ऑफ द ग्रिड थोड़ा, एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बेसिक कनेक्टिविटी रहे. ये सेकेंड फोन उसके लिए बहुत परफेक्ट है. इनफैक्ट आई एम गोना कीप दिस वन, आई एम गोना टेल देम लेट मी बाय दिस फोन एट अ डिस्काउंटेड प्राइस. एनीवेज, बस अभी हम लोग यहाँ पे लेक पे आए हैं, लेट मी शो यू अ फ्यू शॉट्स ऑफ दिस प्लेस. चलो, इवनिंग में वी वॉन्टेड टू हैव अ चिल टाइम एंड एक्सप्लोर द फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स इन पॉन्डिचेरी. फ्रेंच क्यूजीन मोस्टली प्रीडोमिनेट्स इन दीज रेस्टोरेंट्स. पौंडी में ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, एंड इन दीज 4 डेज द बेस्ट रेस्टोरेंट्स आई फाउंड वर ला विला, विला शांति, कैफे दे आर्ट एंड कोरोमंडल कैफे. हे गाइस, अभी लंच के लिए हम लोग आए हैं टू दिस प्लेस कॉल्ड एज कोरोमंडल कैफे. लाइक बेकर स्ट्रीट एंड विला शांति, कोरोमंडल कैफे इज ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड प्लेस इन पौंडी. अमेजिंग कॉन्टिनेंटल मेन्यू है, एंड द कॉकटेल्स आर सपोज टू बी वेरी गुड. अभी हम लोग ने मंगाया है दिस थिंग कॉल्ड एज पान मोहितो. ओके, सो द फ्लेवर्स ऑफ अ पान एंड द फ्लेवर्स ऑफ मिंट मोहितो ब्लेंडेड टुगेदर, क्या अमेजिंग है. फूड काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, वाइब काफ़ी अच्छी है बाहर की. I'm just going to enjoy lunch. I'll see you guys soon. Next day in the morning, we drove to this place called as Auroville. ये जगह पांडिचेरी से कुछ 40 मिनट दूर है. Think of Auroville as an extension of Aurobindo Ashram.
but more than an ashram, it is an experimental township where people from literally all over the world come together to live in peace. This definitely is a must visit place when you're visiting Pondicherry. This will help you broaden your minds, free yourself from judgment, prejudice and hatred. Because of camera restrictions, I was only able to shoot with the GoPro. Hey guys, so next stop in Pondicherry. अभी हम लोग पहुँचे हैं टू द आउटस्कर्ट्स. पौंडी से अराउंड कुछ 5 किलोमीटर्स अवे ऑन द आउटस्कर्ट्स इज दिस मैंग्रोव फॉरेस्ट. ओके एंड बहुत जगह जगह पे इनलेट्स है वे थोड़े बैक वाटर्स है दैट ओपन इन टू द सी इन टू द ओशन. बोट राइड्स के लिए वॉट यू कैन डू इज यू कैन कम टू चुनंबर बोट हाउस. आई एम डेफिनेटली सेइंग इट रॉन्ग इन लोकल लैंग्वेज बट स्पेलिंग इज समथिंग जो यहाँ पे आ जाएगा चुनंबर बोट हाउस. वॉट दिल डू इज के दिल टेक बोट्स फ्रॉम दैट प्लेस टू अ प्लेस कॉल्ड पैराडाइज बीच एंड वहाँ से आपको वापस लेकर आएंगे. सो या दैट इज वन थिंग दैट यू कैन डू इन पौंडी. थोड़ा सिटी से बाहर निकलना है, थोड़ा नेचर एन्जॉय करना है. मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा है. सो लेट मी शो यू सम शॉट्स ऑफ दिस प्लेस. एंड अभी सनसेट का टाइम भी हो रहा है तो लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी हो रखी है. क्लाउड्स भी बहुत अमेजिंग दिख रहा है. एक्चुअली बारिश जैसे क्लाउड्स है बट इट्स लुकिंग वेरी नाइस. लेट मी शो यू सम शॉट्स. चलो गाइस, टाइम हो रहा है अभी 7 PM. जहाँ से मैंने आपको ड्रोन शॉट दिखाया है वो छोटे से ब्रिज से अराउंड वहाँ से 20 मिनट्स ड्राइव अवे इज दिस प्लेस कॉल्ड पैराडाइज बीच. अभी ये जो मैंग्रोव का जो बैक वाटर है वो दैट ओपन्स अप इनटू पैराडाइज बीच. लाइक आई सेड प्रीवियसली कि यहाँ पे बोट राइड्स भी होती है. वैसी पैराडाइज बीच लुक्स वेरी गुड. हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे हैं. एंट्री 7 PM के बाद बंद हो जाती है. DSLR के चार्जेस 2,500 rupees है which is not worth it. But from outside I got good shots of the sunset and beach bhi acha dikh raha tha mujhe honestly. It's a private beach. Beach ki entry jo hai wo 70 rupees hai. Crowds bhi kafi kam dikh rahe the wahan pe and clean bhi kafi dikh raha tha. Waters bhi kafi blue the. So if you guys are ever coming here, 7 AM to 7 PM ye beach khula rehta hai. Apparently andar showers and all hai where you can chill. Wahan pe jet skis hai, lots of activities. Seems like a very fun sort of a place एंड कैफ़ेज़ वगैरह है. सो डेफिनेटली ट्राई एंड कम हेयर. हमारा टाइमिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया तो नो प्रॉब्लम. हम लोग यहाँ पे व्यूज़ एन्जॉय करेंगे. यहाँ से जो सनसेट आया, द कलर्स एंड एवरीथिंग, डेफिनेटली वेरी गुड स्काईज, वेरी गुड कलर्स. सो जितने भी हम लोग और बीचेस गए अब तक, डेफिनेटली नॉइजी एंड क्राउडेड. दैट्स नॉट माई वाइब. अगर आपको वो पसंद है, डेफिनेटली अगर वो वाइब चाहिए, बट आई लाइक वेरी ऑफ बीट, वेरी क्वाइट, लेस क्राउडेड बीचेस. सो दिस डेफिनेटली इज़ वन ऑफ देम, पैराडाइज बीच. एनीवेज आज का दिन यहाँ पे ख़त्म करेंगे. आई विल सी यू गाइज टुमारो. बाय. एंड विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ 4 ब्यूटिफुल डेज इन पौंडीचेरी. आई नो आई हैव मिस्ड आउट ऑन टन्स ऑफ प्लेसेस बिकॉज जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैंने पौंडीचेरी की स्टोरीज डालना चालू की, आई गॉट सो मेनी रिकमेंडेशंस. बिकॉज ये जगह है ही ऐसी, देर आर सो मेनी गुड प्लेसेज. इनफैक्ट देर आर सो मेनी प्लेसेज दैट आई हैव मिस्ड आउट ऑन एंड देर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट दैट पौंडीचेरी में सर्फिंग सीन बहुत अच्छा है, स्कूबा डाइविंग सीन बहुत अच्छा है, इवन ऑल द बीच एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छी है. बट कोविड के हिसाब से, वेदर के हिसाब से, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. एंड द बेस्ट टाइम टू कम टू पौंडीचेरी इज नॉर्मली फ्रॉम नवंबर टू जैन, जहाँ पे वेदर परफेक्ट रहता है. 27-26 डिग्रीज रहता है थ्रू आउट द डे, ऑल एक्टिविटीज़ चालू रहती है. बट अनफॉर्चुनेटली मैं आया हूँ अभी अगस्त में, तो ये सब इम्पॉसिबल हो जा रहा है बिकॉज द हीट इज़ टू मच. एनीवेज इफ आई हैव मिस्ड एनी प्लेसेस और इफ यू गाइस नो गुड प्लेसेस इन पौंडीचेरी, पुट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो, सो दैट फ्यूचर में कोई भी वीडियो देखे उसका ये फायदा रहे. I feel 3-4 days are enough to spend in Pondicherry. Approximate cost I can say for 2 people, if you guys stay at a decent place, to 20-25,000 ho sakta hai. If you do all activities, you go everywhere, and hum log ne gaadi rent ki thi, to uska bhi hamara kharcha add ho gaya.
एंड आई नो हैव मिस्ड आउट ऑन सो मेनी प्लेसेज बिकॉज 4 days में सब कवर करना इम्पॉसिबल हो जाता है. बिकॉज फॉर मी इट्स नॉट ओनली अबाउट गोइंग टू द प्लेस एंड सीइंग इट, उसमें मेरा शूटिंग भी होता है. सो जस्ट एड 45 मिनट्स टू 1 hour एक्स्ट्रा इन शूटिंग अ प्लेस, तो मेरे लिए सब प्लेसेस कवर करना पॉसिबल नहीं होता है. जो भी मेरे रिकमेंडेशंस है मैं हमेशा स्क्रीन पे डाल देता हूँ या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, सो दैट आपका भी फायदा रहे. एंड बाय द वे, व्हाइल विजिटिंग पांडिचेरी हम लोग रुके थे इन 2 places, कॉलेज विला शांति एंड ला विला. हम लोग दो दो नाइट यहाँ पे रुके थे. इफ़ यू गाइज वॉन्ट अ डेडिकेटेड वीडियो, उसका मैंने इसके पहले ऑलरेडी वो बनाया है, चेक इट आउट, यहाँ पे लिंक रहेगा. कंप्लीट डिटेल गाइड अबाउट माई स्टे हियर, द फूड, एवरीथिंग, वाई इट इज़ द परफेक्ट प्लेस टू स्टे व्हेन यू विजिटिंग पांडिचेरी. आज ही हमारी लास्ट इवनिंग है, वी जस्ट गोना स्पेंड इट बाय द पूल बिकॉज 3 दिन इतना भागा दौड़ी किया हमने. वी विजिटेड सो मेनी प्लेसेज, वी जस्ट गोना लेज अराउंड बाय द पूल. वेदर परफेक्ट हो रखा है, इट्स नाइस एंड क्लाउडी, पूल का टेम्परेचर परफेक्ट है. सो वी जस्ट गोना बी स्पेंडिंग अ लास्ट इवनिंग हियर. यहाँ पे खाना मंगाएंगे, ड्रिंक्स मंगाएंगे, वी जस्ट गोना चिल हियर बाय द पूल. हमारी फ्लाइट है चेन्नई से, राइट? सो पांडिचेरी टू चेन्नई इज 3 hours अवे. एंड आई हैव हर्ड द ईस्ट कोस्ट रोड फ्रॉम पांडिचेरी टू चेन्नई इज सपोज टू बी वेरी गुड. इट्स सपोज टू बी वन द मोस्ट सीनिक ड्राइव्स इन इंडिया. तो इफ़ पॉसिबल मैं नेक्स्ट वीडियो उसके बारे में बनाऊंगा. इफ़ आई गेट इन अ फुटेज, इफ़ आई गेट इन अ शॉट्स एंड टाइमिंग अगर सेट हुआ, व्हाट आई डू इज कैन मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट माई ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम पांडिचेरी टू चेन्नई वाइल गोइंग बैक होम. स्टे ट्यून फॉर दैट. अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, कीप ऑन ट्रैवलिंग. आई विल सी यू गाइस सून. अभी टाइम हो रहा है अभी 6:30 एंड हम लोग आए हैं यहाँ का मेन प्रोमिनाड. फोटो ओके नो ओके. Basically, this ashram was founded by. अभी अगर आप आ रहे हो, definitely try and come to Sri Ashram. अभी तो हम लोग सिर्फ अंदर ही जा पाए. अभी इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं. So just definitely try and check out this place. How is it? So good. So good. So my kind of dessert.